दोस्तों, लंबे समय तक भारत का एक बड़ा तबका महाभारत को महज एक पौराणिक ग्रंथ ही मानता रहा। द्वारिका नगरी के अस्तित्व को स्वीकारने की तो बात ही बहुत दूर है, मगर गुजरात के पास समुद्र में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की खोज ने न सिर्फ महाभारत ग्रंथ की सच्चाई को पुष्टि दे दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका कभी उन्नत संस्कृति का हिस्सा थी। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका जन्म भारत में उस समय हुआ था जब बाकी दुनिया को पहनने ओढ़ने तक की समझ नहीं थी। समुद्र के नीचे मिला ये शहर साबित करता है कि अगर दुनिया में सबसे पहले किसी विकसित सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो भारत में ही था। तो चलिए, प्राचीन द्वारिका के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते। समुद्र के गर्भ में समाये इस शहर का आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किया गया अध्ययन बताता है कि यह कम से कम 9000 साल पुराना शहर है जो आज से 4000 साल पहले समुद्र में समा गया था। हिमयुग की समाप्ति ने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया जिसमें आज हम रहते हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर 400 फीट तक बढ़ गया। इस भयंकर बाढ़ ने दुनिया के सभी तटीय इलाकों को डुबोकर फिर से नए किनारों को जन्म दिया और पुराने किनारे समुद्र में डूब गए। इसके साथ ही संसार के कई रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में समा गए, जिनमें से कई रहस्य पौराणिक समय से जुड़े हुए थे। प्राचीन काल की कहानियां, जिन्हें हम केवल पौराणिक कथाएं मानते आए हैं, लेकिन भारत में समुद्र के नीचे ऐसे हैरान करने वाले सबूत मिले जो इन पौराणिक कथाओं को काफी हद तक सच साबित कर देते हैं। भारत में हुई इस खोज ने इतिहासकारों तक को हैरत में डाल दिया और प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास फिर से लिखे जाने पर मजबूर हो गया। महाभारत काल में भगवान कृष्ण की जिस द्वारिका का उल्लेख महाभारत ग्रंथ में मिलता है, वो नगरी गुजरात के पास समुद्र की गहराई में पाई गई। 1980 के दशक तक भारतीयों को पता ही नहीं था कि जिस द्वारिका में जाकर वो भगवान के दर्शन करते हैं, वह वास्तविक द्वारिका नहीं बल्कि अलग स्थान है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने JSI के नेतृत्व में समुद्र में एक रिसर्च सर्वे कराने का फैसला लिया। इस रिसर्च के दौरान ही खंबात की खाड़ी में ली गई रेडार स्कैन इमेजेस से पानी में डूबी हुई द्वारिका की पहली झलक दुनिया को दिखाई दी। समुद्र के अंदर इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने लगाया था, जिस दौरान वह सोनार का प्रयोग करते हुए समुद्र में प्रदूषण की स्टडी कर रहे थे। तब उन्हें यहाँ पत्थरों से बनी ऐसी हैरान करने वाली इमारतें दिखाई दी जो समुद्र तल पर मिट्टी और बालू से ढकी हुई थी। प्राचीन इमारतों के ये खंडहर 5 मील के इलाके में फैले हुए थे। इसके साथ ही गोताखोरों को यहाँ कलाकृतियां, इमारतों के खूबसूरती से तराशे हुए स्तंभ, तांबे और कांसे के सिक्के भी मिले। समुद्र में 30 मीटर की गहराई में मौजूद ये जगह किनारे से 20 किलोमीटर दूर है, जो पानी के नीचे एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है। इस जगह पर पानी के नीचे पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जिसमें घर, जलाशय, गलियां और पानी की नालियां भी पाई गईं। इस जगह के अध्ययन से पता चला कि ये शहर मोहनजोदारो सभ्यता से भी पहले का है। 19 मई 2001 को मानव संसाधन मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी ने घोषणा की, एक प्राचीन सभ्यता के नष्ट होने के सबूत गुजरात के समुद्र तट के पास खंबात की खाड़ी में पाए गए, जिसे भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई पौराणिक द्वारिका नगरी माना गया। सर्वे में ली गई सोनार तस्वीरों में समुद्र के नीचे स्क्वायर और रेक्टेंगल आकार की कई आकृतियां भी दिखाई दीं, जो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहां मौजूद थीं। इसका समुद्र में पाया जाना वैज्ञानिकों की उम्मीद से बाहर था। वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र में मिली ये आकृतियां प्राकृतिक तौर पर नहीं बनी हो सकती। उनका मानना था कि ये आकृतियां मानव निर्मित हैं। खोज आगे बढ़ी तो पता चला कि खंबात के इलाके में समुद्र की 20 मीटर गहराई में इसके कई और राज भी दफन हैं। जांच के दौरान यहां से कई प्राचीन कलाकृतियां मिली, जिनमें लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थरों के औजार, मानवों की हड्डियां और दांत भी शामिल थे। इन्हें करीब 3600 साल पुराना माना गया। सही उम्र पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी भेजा गया। वहां कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कलाकृतियों में मिली कई चीजें 9000 साल पुरानी हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के सबूत दुनिया के सामने आ गए। इस हैरतअंगेज खोज ने पूरे पुरातत्व जगत को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि ये सबूत पूरी दुनिया में किसी भी प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने थे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खुदाई की और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर के अवशेष हैं। भारतीयों समेत दुनिया भर के इतिहासकारों ने इसे मानव इतिहास की एक अनूठी और भव्य खोज माना।
दक्षिण गुजरात के समुद्री क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत भी मिला। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल में लाए गए शिखर का हिस्सा है। रिसर्च टीम की अगुवाई में पुरातत्व विशेषज्ञ समुद्र में 800 फीट गहराई तक गए। उन्होंने इस प्राचीन नगर को देखा। रिसर्च टीम का कहना है कि द्वारिका एक बड़ा राज्य था। यहाँ खंबात और कच्छ की खाड़ी उस वक्त नहीं थी, यहाँ जमीन थी। मौजूदा द्वारिका से लेकर समुद्र तक पूरी समुद्री क्षेत्र में एक विशाल दीवार भी मिली, जिसमें जगह जगह द्वार बने हैं। यह कृष्ण का राज्य था। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी काल्पनिक नगर है, लेकिन इस खोज ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई शहर आज से 10,000 साल पहले मौजूद था। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गर्त में मौजूद हैं। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ 36 साल तक राज किया। इसके बाद वो शरीर छोड़कर वैकुंठ लौट गए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, यहाँ हुई खोज से ये तो पता चल जाता है कि द्वारिका जैसा कोई शहर कभी वहाँ था, लेकिन उसके समुद्र में समा जाने की वजह कोई भी नहीं जानता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्राचीन शहर समुद्र में समा गया? इतिहासकारों का मानना है कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह नगर समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 साल पहले ही खत्म हो गया था, और भगवान कृष्ण की द्वारिका का निर्माण 5300 साल पहले किया गया था। तब ऐसे में हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी अधूरी लगती है। द्वारिका के समुद्र में समाने के पीछे धार्मिक पौराणिक मान्यताएं एक श्राप को जिम्मेदार ठहराती हैं। इस श्राप की कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। दोस्तों, भले ही अब तक ये मालूम नहीं हो पाया कि द्वारिका नगरी आखिर समुद्र में कैसे डूबी, लेकिन इससे मिले ये सबूत साबित करते हैं कि द्वारिका जैसा विशाल और वैज्ञानिक शहर भारत में उस दौरान मौजूद था जब बाकी दुनिया का चिंतन खाना और पानी जुटाने तक ही सीमित था। दोस्तों, अभी भी द्वारिका के ना जाने कितने राज समुद्र की गहराइयों में दफन हैं, जो हजारों सालों से सबके सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम पानी में डूबी द्वारिका नगरी का रहस्य पूरी तरह से जान पाए। भारत के इस प्राचीन शहर की ये खोज साबित करती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक सभ्यताओं में भारत हमेशा आगे रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे कई अन्य दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।